वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि ये पीएचपी कंप्लीट चीज है। यदि आपको डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, माइस्कल एजैक्स बैकएंड फ्रंट एंड के कोड कैसे करते हैं, की नॉलेज गेन करनी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है। इससे पहले ट्यूटोरियल्स में हम बात कर चुके थे कि गेट मेथड क्या होता है एंड पोस्ट मेथड क्या होता है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट मेथड से ही थे आपके कि गेट मेथड क्या था वहाँ पे एंड पोस्ट मेथड वहाँ पे क्या था। रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है मैं वो आपको कंप्लीट बेसिक में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल इंप्लीमेंट करूँगा। तो रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है, रिक्वेस्ट मेथड में क्या है कि यदि आप गेट एंड पोस्ट मेथड में जो वैल्यू फिलअप करते हैं और रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मेथड आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसके द्वारा आप डाटा को कलेक्ट करते हो। सपोज कीजिए आपने गेट मेथड की हेल्प से डेटा को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट से उस डेटा को मीन्स आपने फॉर्म सबमिट किया, कोई यूजर फॉर्म सबमिट करता है, फॉर्म सबमिट करने के बाद सबमिट बटन पे उसने क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो डेटा गया गेट मेथड के थ्रू, और गेट मेथड के थ्रू के बाद वो हमने रिक्वेस्ट मेथड का यूज करके उससे वहाँ पे डेटा ले लिया। तो डेटा लेने के बाद हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर एक रिक्वेस्ट मेथड होगा जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है, जो भी आपका गेट मेथड हो गया या पोस्ट मेथड हो गया या कुकीज़ हो गया, आपके कुकीज़ क्या हो गए मैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बात करूँगा। अभी गेट एंड पोस्ट के बारे में ट्यूटोरियल करा भी चुका हूँ कंप्लीट। तो गेट एंड पोस्ट में जो भी आपके कंटेंट होगा, जो भी आप सबमिट फॉर्म करते हैं गेट एंड पोस्ट की हेल्प से, गेट एंड पोस्ट आपके मेथड जो होते हैं उनकी हेल्प से आप जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं, तो रिक्वेस्ट उनसे क्या करता है वहाँ पे डेटा ले लेता है। तो कैसे डेटा लेगा जब आप सबमिट करेंगे एक फॉर्म को, चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ HTML का, सिंपली एक HTML का एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉपर फॉर्म एक्शन आपका आई गेस सेम पेज पे ही है, तो सेम पेज का एक्शन दे देते हैं। मेथड में ले लेता हूँ यहाँ पे गेट ले लेते हैं, चलिए गेट मेथड हो गया, ओके। उसके बाद मैं एक इनपुट बॉक्स लूँगा सिंपल, टाइप इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट, ओके। उसका नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे AB, ओके। मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे AB एक नेम दे दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, प्रॉपर एक और इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। ये आपका यूजर के लिए हो गया, सपोज कीजिए यूजर के नेम के लिए हो गया, ओके। उसके बाद ये पासवर्ड के लिए हो गया, ओके। उसमें आप पासवर्ड दे सकते हो, तो इसका मैं ले लेता हूँ पास नेम एंड इसका मैं ले लेता हूँ यूज़र। तो प्रॉपर एक मैनर के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि बटन सबमिट करें तो मुझे वहाँ से वैल्यू रिक्वेस्ट करे वो। तो बटन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप जो सबमिट, ओके। मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया एंड नेम सबमिट, ओके। मैंने एक सबमिट नेम से एक बटन क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं फॉर्म को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ PHP की ताकि आपको रिक्वेस्ट मेथड की। तो ये तो आपका प्रॉपर गेट मेथड का हो गया था कंप्लीट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने गेट एंड पोस्ट मेथड की ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप वो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं रिक्वेस्ट मेथड। डॉलर यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट यूज कर लूँगा, ठीक है, रिक्वेस्ट। एंड ये मेरा एसोसिएटिव एरे होता है, यदि एसोसिएटिव एरे के बारे में आपको नहीं पता है तो आप वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, ओके। Ctrl D मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। एक ये आपका यूजर के लिए हो गया रिक्वेस्ट, एंड ये रिक्वेस्ट आपकी पासवर्ड के लिए होगी। तो ये कंटेंट लेगा जो कि गेट में आएगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यूज़र, जो मैंने यहाँ पे नेम दिया था यूज़र का, तो वो ही सेम देना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ ट्यूटोरियल्स में। और आपको पासवर्ड भी देना है जो आपने वहाँ पे दिया, तो पास दिया तो पास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, जो भी गेट मेथड से ये कंटेंट आ रहा है, ये जो भी कंटेंट आ रहा है ये, ठीक है, यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, उसको कंटेन करेगा। तो ये कंटेन कर लिया उसने, ठीक है, प्रॉपर, ये तो आपका क्लियर होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनको एको करा लेता हूँ। तो प्रॉपर मैं एको करा देता हूँ यहाँ पे ही, ओके, मैंने यहाँ पे एको करा दिया, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चलिए इसको रन करते हैं। तो ये request.php हो जाता है, localhost request.php।
तो मैंने जैसे यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला, रमन रमन दे दिया। उसके बाद मुझे क्या देना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये दे देगा पासवर्ड। तो मैं और कुछ डाल लेता हूँ यहाँ पे, मैं डालता हूँ यहाँ पे सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ राम, और राम का पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देते हैं राम 1 2 3 4, और मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे दे देगा राम, ये आपका पासवर्ड हो गया। तो इसको थोड़ा प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका राम हो गया, ये इसका पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको पोस्ट मेथड में लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, पहले पोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे राम दे देता हूँ, राम, फिर उसके बाद राम 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको पासवर्ड होगा राम का आप ले सकते हैं, और सबमिट करता हूँ तो ये पोस्ट में भी मेरा डेटा लेके आ रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट मेथड जो है कंटेन कर रहा है गेट मेथड के जो डेटा है कंटेंट है उसको भी, एंड पोस्ट मेथड का जो कंटेंट है उसको भी कंटेन कर रहा है। तो ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये रिक्वेस्ट को एंड गेट के एंड कुकीज के जो भी कंटेंट होगा उसको कंटेंट करता है, तो इसलिए ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल हो गया है। की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट मेथड किसे कहते हैं, रिक्वेस्ट मेथड के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जांपल मिल जाता है, उसको आप रन करके देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड का कैसे यूज किया हुआ है। ये एक एसोसिएटिव एरे है तो इसका यूज कैसे किया हुआ है, गेट मेथड से जो डेटा सबमिट हुआ था वो कैसे रिक्वेस्ट मेथड से आया वो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जिससे कि आपके माइंड को कम्प्लीटली सेट हो जाए। यदि फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।